हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग जो सिलेबस रहने वाला है पेपर वन का, चाहे फिर वो क्लास वन की पोस्ट के लिए हो, क्लास टू एंड क्लास थ्री के लिए हो। क्लास वन एंड क्लास टू के लिए जो सिलेबस है वही क्लास थ्री के लिए आपको देखने को मिलेगा। पेपर वन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो पेपर वन क्लास वन और सेकेंड पोस्ट के लिए, और क्लास थ्री के लिए आप देख सकते हो। तो दोनों में जो है वो पेपर वन का सिलेबस सेम है, जहाँ पे आपको 100 मार्क्स का जो है वो पेपर वन देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो जीके रहेगा हिमाचल प्रदेश का 30 मार्क्स का, जीके नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 30 मार्क्स, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक उम्मीद तो मैं ये करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से कि जब वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे किसी भी एक पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे अगर उन्होंने पेपर वन का ये सिलेबस मेंशन करा तो अगर वो टॉपिक भी बता देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं या कोचिंग मतलब कोचिंग जो करवाते हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि अभी जो सिलेबस है जो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसके उन्होंने टॉपिक भी बताना शुरू कर दिए हैं, जबकि ऑफिशियली अभी तक टॉपिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है और बैचेस बिठाए जा रहे हैं, कोर्सेज बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि पुराने एक्सपीरियंस के साथ कि जो पुराने पेपर्स हैं वहाँ पे क्या सिलेबस था। तो मैंने देखा कि चलिए जीके ऑफ एचपी ये तो सबको पता है कि 30 मार्क्स का है। यहाँ पर लगातार बात होती थी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के जो भी एग्ज़ाम रहते हैं वहाँ पर एचपी जीके को ज़्यादा वेटेज नहीं दी जाती है, तो फिर इन्होंने अभी इंक्रीज़ भी करी थी जहाँ पे 10 मार्क्स से 20 मार्क्स हो गई थी और अभी 30 मार्क्स यहाँ पे रख दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, तो यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि सिर्फ 30 मार्क्स के आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको इंडियन जीके में जैसे इंडिया का ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, वैसे वर्ल्ड के आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे, इंडिया के करंट अफेयर भी मिक्स होंगे, तो उन टोटल जो है वो वेटेज 30 मार्क्स बनेगी। यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें आएंगी। और एचपी के केस में भी आपको सब कुछ हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न रह सकती है कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक कवर करे जाएंगे, समास होंगे, संधि होगी और उपसर्ग प्रत्यय हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, पर्यायवाची शब्द हो गए, वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है आर्टिकल वगैरह। और तो मतलब ये अगर डिटेल में अगर ये पेपर वन का पूरा सिलेबस डाल देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और एक टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं कि डिटेल यहाँ पर सिलेबस हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बाद हम आपको बताएँगे आगे की नोटिफिकेशन यहाँ पर कोई आती है सिलेबस के रिगार्डिंग, क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन होगी वो कोई पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसके बाद ही हमें देखने को मिलेगी, या उस एडवर्टाइजमेंट के बीच में हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।